हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम आईटीआर 2 फिल करेंगे जो कि बीकॉम के अंदर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और लैपटॉप होना ज़रूरी है आपका। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, ई फाइलिंग लिखिए, इनकम टैक्स लिखिए। हालांकि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सर इनकम टैक्स की वेबसाइट का नाम बताइए, तो आपका इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन है, या आपका यहीं पे आप कोई सा भी ओपन करेंगे सीधा पेज पे चले जाएंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने ये ओपन कर लिया है और क्लियरिटी का थोड़ा सा देखिएगा, मे बी पॉसिबल है कि थोड़ा कम क्लियरिटी हो, बट क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं बनाने का, ये आपको मेन समझाना है, लेकिन फिर भी हाँ समझ में आएगा आपको सारा। सबसे पहले डाउनलोड कैसे करें, ये साइट पे चले जाएंगे, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ डाउनलोड पे जाएं। डाउनलोड पे जाने के बाद नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे सारी है, हमें आईटीआर 2 पे जाना है। आईटीआर 2 बेसिकली मैं बता दूँ किनकी है, जिनकी इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा होती है सालाना उनके लिए, और जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है उनके लिए। डिटेल में इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किसके लिए आईटीआर 1, 2 और 3 और 4, सारी आईटीआर के बारे में बात किया हुआ है। चलिए सर एक्सेल यूटिलिटी करेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपका बहुत बहुत स्मॉल सा फाइल होगा जो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद वैसे तो आपको लिंक मिलेगा, लेकिन आप जब घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं सारी बातें बताता जा रहा हूँ। तो ये फोल्डर जैसे ही डाउनलोड होगा मैंने ओपन कर लेना है, और ये मैं ओपन डाउनलोड एस में आ गया। यहाँ पे देखिए आईटीआर 2 आ गया है, इसका ये जिप फाइल में होगा। इसको अनजिप करने के लिए आप विन आर 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 इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करते ही आपको सामने आ जाएगा, मैंने कर दिया यस, यहाँ पे आ गया ये। अब जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये माइक्रोस के थ्रू होता है, इसको मैं आपको ओपन करके, बहुत हैवी फाइल होता है, अगर सिस्टम आपका मान लेते हैं स्टूडेंट वाला है या लो कॉन्फ़िगरेशन है तो टाइम लेगा थोड़ा सा, अदरवाइज़ अगर आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर जल्दी हो जाएगा। मैक में भी सेम है और आपका विंडोज़ में भी सेम है, हालांकि आपके कॉलेज में बताएंगे कि आपको कैसे करना है, और कॉलेज में विंडो पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप विंडो पे प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। बहुत बेसिक सा है, जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूं वो क्वेश्चन मैं अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, और उसी क्वेश्चन को यहां पे डिटेल फिल करके दिखाऊंगा मैं। बेसिकली आईटीआर 2 जब तक एक्सेल ओपन हो रहा है, तो देखिए आपके सामने एक्सेल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बहुत हैवी फाइल है ये, और आप देख रहे हैं अब ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ओके आ गया ये। अब इसके अंदर मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कई बार आपका ओपन ना हो, तो आपको क्या करना है, जब ओपन नहीं होता सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि माइक्रोस है, यहाँ पे आपको इनेबल सीट करने को कहा जाएगा, तो आप इनेबल कर देंगे। जब कई बार ओपन नहीं होगा तो आपने क्या करना है मैं उसकी बात करता हूँ। आपका यहाँ पे देखिए बड़ी सिंपल है कि ग्रीन सेल फॉर डेटा एंट्री, रेड मैंडेटरी है, और कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कंट्रोल कट कॉपी नहीं चलेगा, पेज डेटा वाइल एंट्री, ठीक है सर। कई बार बच्चों का जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो जब नहीं ओपन होगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो प्रॉपर्टी में जाके अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, इसको अनब्लॉक करके अप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद तो आपका चल जाएगा, जिन बच्चों का नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा हालांकि ओपन हो गया है। चलिए सर, ये हमारा होम पेज है, इसके अंदर टोटल 29 शेड्यूल है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम, 29 के 29 शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, जितने काम की है वो सारा हम देखेंगे, हाँ ओवरव्यू ज़रूर सारा कर लेंगे। यहाँ से आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और नीचे पेज है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली मतलब जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे थोड़ा आराम से जनरल इन्फॉर्मेशन। सर जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पे, और उसी क्वेश्चन का आगे भी सॉल्यूशन लूँगा, हालांकि आप कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक केस है
और ये केस आपका वीके सिंघानिया बुक का है, कॉलेज में लगवाया हुआ भी है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, 12। अरे हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये माइक्रोज पे होता है। माइक्रोज एक्सेल के अंदर एक हैवी फॉर्मूला कह सकते हो, इसका भी स्पेशली कोर्स होता है जिसके अंदर सारा सीट आपस में मर्ज और एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। तो सर नेम फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें मैं अपना पर्सनल डिटेल भर दूंगा ताकि जल्दी हो जाए, जैसे कि अनुज भर दिया मैंने। मिडल नेम में कई का नाम होता है, कई का नहीं होता, अगर मिडल नेम है तो ठीक, यहाँ पे जिसके आगे रेड है वो मैंडेटरी है, अदरवाइज आप सिंपल भर सकते हैं। मान लेते हैं मेरा मिडल नेम नहीं है और लास्ट नेम भी नहीं है, तो लास्ट नेम में आप सेम अनुज है तो अनुज और अनुज भर सकते हैं, लेकिन मेरा है तो मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, मेरा मिडल नेम भी है और सर नेम भी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो सर कुमार और सिंह, आप कई बार वैल्यू अगर और कुछ ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो इसको हटा देते हैं। हाँ ये हैवी शीट होती है, अगेन कह रहा हूँ। पेन नंबर, मेरे सवाल के अंदर पेन नंबर गिवन है, उसी पेन नंबर का मैं इस्तेमाल करूंगा। हालांकि जो क्वेश्चन मेरे बुक में है रमन के मेहता है और फादर नेम श्याम के मेहता है, तो मैं बड़े सिंपल तरीके से इसके अंदर लेके चल रहा हूँ रमन के मेहता। सर रमन के मेहता मैंने अपने नाम डाल दिया कुछ जगह पे, पेन नंबर है AB, आपके पास भी यही होगा NP, और यहाँ पे याद रखिए गलत पेन नंबर डालेंगे ना तो ये लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा सर? क्योंकि इनको पता है ये माइक्रोस उसी के हिसाब से सारा फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो देखिए अब ये पेन नंबर ले लिया, अब आगे आते हैं हमारा फ्लोर बिल्डिंग जो भी है। तो फ्लोर डोर ब्लॉक नंबर अपने हिसाब से एड्रेस डाल लीजिए, जैसे मैं डाल लेता हूँ I-11 शकुरपुर, मैंने डाल दिया कुछ भी इसी तरीके से। विलेज डालना है तो डालिए, अदरवाइज नो नीड। अब यहाँ पे हमें बताना है कि स्टेटस क्या है आपका। तो सर स्टेटस की बात करें तो हम इंडिविजुअल भरेंगे, HUF का नहीं है, हमें सिर्फ इंडिविजुअल। देख रहे हैं आप इस तरीके से जब होगा, टेंशन नहीं लेना है आपने, ये हैवी फाइल है, ये वेरीफाई करते हैं तो थोड़ा सा लग जाता है। आगे आ जाइए सर, पोस्ट ऑफिस का मैंडेटरी नहीं है, मैं कर देता हूँ I-ब्लॉक, ठीक है। और आगे आते हैं आपका एरिया, एरिया लोकेलिटी में शकुरपुर, एड्रेस उसी को रिपीट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेरे सवाल के अंदर है 10/1/1972, तो मैं वही ले लेता हूँ 10/01 डालिएगा, जिस तरीके से DDMMYY में 1972 आ गया, ठीक है। चलिए सर सिटी डिस्ट्रिक्ट मैं रोहिणी ले लेता हूँ, यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट मेरे पास गिवन है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजें अपने हिसाब से ले लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से भर सकते हैं प्रैक्टिस के पर्पस के लिए। ये क्या लिखा गया, टोहिनी लिखा गया, ये तो भाई साहब रोहिणी। सेलेक्ट स्टेट, स्टेट में दिल्ली है, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स टाइप आता है तो यहाँ पे आप नीचे धीरे धीरे करेंगे तो आपका दिल्ली आ जाएगा, जब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो। यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, मैंने कोशिश किया तो 9 नंबर पे देखिए दिल्ली है, आ गया दिल्ली। इसके बाद इंडिया आ जाएगा, पिन कोड अपने यहाँ पे इसने ले लिया, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्री आ गया 91, पिन कोड आ गया। आगे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ केयर शिक्षा धाम @gmail.com, मैंने मेल आईडी डाल दिया। सेकंड ईमेल ऑप्शनल है, देखिए जिस पे रेड है वो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो नहीं डाला। सर मोबाइल नंबर जैसे मैं डाल देता हूँ 9136364104, मैंने डाल दिया। इसके बाद सर आगे चलते हैं, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे STD कोड, अगर आपके घर पे ऑफिस वाला फोन होता है ना तो वो डालने के लिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर 2 है, डालना चाहते हैं डालिए यहाँ 91 लगा के, अदरवाइज नो नीड। इसके बाद फाइल अस, ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम सेलेक्ट, यहाँ पे हमने फील्ड आपका नोटिस अस फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, हमारे पास नोटिस आया है
तब करना है। हमारे पास यहाँ पे दो टिक के ऑप्शन है, हालांकि मैं बस दिखाना चाहता हूँ आपको, बाकी आप यहाँ पे पहले वाले पे टिक रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, सेलेक्ट करना होगा आपको ओरिजिनल रिटर्न है या ड्यू डेट है, आफ्टर है, क्या है। तो सिंपल सी बात एक एक करके समझ लेते हैं। ऑन ड्यू बिफोर मतलब जिस दिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी थी उस दिन से पहले आप टाइम पे भर रहे हैं, कोई बात नहीं। आफ्टर ड्यू डेट लेट हो गया तो यहाँ पेनल्टी लगता है आपका, 5,000 रुपये की पेनल्टी लगती है, याद रखिएगा मैं बताता जा रहा हूँ। इसके बाद रिवाइज रिटर्न मतलब आपने कोई गलती कर दी तो रिवाइज करने का ये है। और आफ्टर द ड्यू डेट एक बात ध्यान रखिएगा, आप न्यू रिज्यूम को ऑप्ट कर ही नहीं सकते, आपको ओल्ड रिज्यूम में ही जाना पड़ेगा। मॉडिफाइड रिटर्न आपने मॉडिफाइड किया है कोई अमेंडमेंट के बाद, आपका नोटिस आया उसके बाद। आफ्टर कंडीशन तो आपके लिए सिंपल सा है, 139(1) यानी ओरिजिनल रिटर्न भरना है आपने। सर ये माइक्रोज है, थोड़ा चलने में टाइम लेता है। इसके बाद आप आगे आ जाएंगे, आगे फिर सेलेक्ट करेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सर आप रेजिडेंट हैं जो भी रहेगा वो, तो ये सिस्टम थोड़ा सा इसलिए कॉलेज के अंदर आपको लिंक देंगे जो पहले से बना हुआ होगा, बस उसमें फिल करना है। बिल्कुल रिलैक्स होके नॉर्मल जैसे आप बैंक में फॉर्म भरते हो ना, वही चीज है, बस थोड़ी जानकारी होनी चाहिए जो कि मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ। सर इसके बाद यहाँ पे कहता है रिवाइज डिफेक्टिव मॉडिफाई, तो जो ग्रे हो जाता है ना, ये ग्रे जो हो जाता है जब हम यहाँ पे कोई और सेलेक्ट करते हैं, ग्रे का मतलब अब आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपने इसको डिनाई कर दिया। सर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न तो भरने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे बिलेटेड भर देंगे ना यहाँ पे जहाँ पे ये था, तो ये सारे ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब आपको फिल करना है, जो थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन कह लो स्काई ब्लू कह लो, और ग्रे में आपको जरूरत नहीं है, तो ये सब अब हमें भरने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। कहता है कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस आपका एप्लीकेबिलिटी, कंडीशन क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो सर आप क्या थे, तो सवाल के अंदर आपको गिवन होगा, जैसे मैं इस वाले सवाल में देखूं तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में क्या कंडीशन है वो मैं देख के आपको बता देता हूँ। एसएस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, हाँ इसमें बोल रखा है रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी है और 310 दिन के लिए रहता है, तो यहाँ पे मेरे सवाल में 310 दिन है और आपका इन इंडिया मोर देन 182 डेज कर देंगे आप, तो वो इंडिया के अंदर रह रहा है, ठीक है। इसके बाद डू यू ऑप्ट न्यू रिज्यूम, तो आप बोलेंगे नो, और वैसे भी न्यू रिज्यूम आपका नहीं आएगा अगर न्यू रिज्यूम करते हैं तो यस। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लेट रिटर्न फाइल आता है तो न्यू रिज्यूम ऑप्ट ही नहीं कर सकते, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है उसके लिए। देखिए फिर से अब मैं छोटे छोटे पार्ट में डालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को आफ्टर एडिटिंग, ताकि आपको थोड़ा ठीक समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस हैं, अब यहाँ सेलेक्ट करने के लिए है कि आप यस करें नो, तो मैं आप सभी को बोलूंगा यहाँ पे नो कर दीजिए, और बाकी के सारे डिटेल ऑटोमेटिकली क्या होगा ग्रे हो जाएगा, जो आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नीचे नीचे चलेंगे, यहाँ पे क्या भरना है सर, यहाँ पे बस इनकम इतनी एग्जेम्प्टेड है, ये सारी चीजें डिटेल भरी जाती है जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कहीं कई बार ये रिटर्न को मान लेते हैं, कोई रिटर्न फाइल करते करते देखेगा, तो उनके लिए मैं कहता हूँ बीकॉम का प्रैक्टिकल है इसके लिए है ये, रियल लाइफ में सारी चीजों का जानना जरूरी है, सो दैट जैसे कि आपका 92C CD क्या है ये सारी चीजें, क्योंकि मैं सारी चीजें बताऊंगा तो आपका 8-10 घंटे लग जाएंगे इस पूरे रिटर्न में, जो कि बच्चों के पास इतना टाइम है नहीं, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है सर। अब सर यहाँ पे कहता है कि आधार नंबर, आधार नंबर एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल ओनली, ठीक है सर। आधार नंबर आईडी, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल ओनली और आधार आईडी, तो आईडी जो है यहाँ पे लिखने के लिए आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए आप, प्लीज एंटर आधार नंबर एप्लीकेबल इंडिविजुअल ओनली, और आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। आईडी में जो यहाँ पे आपको दे रखा है ना सेम आप डाल दें, कट कॉपी पेस्ट तो चलेगा नहीं, तो सर सेम डाल सकते हैं आप, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपको उसी फॉर्मेट में हम डाल देंगे, जैसे कि दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, 5 0 1 1 2 0 6 1,
5022, यही मैंने सेम एज इट इज फिल कर दिया। एनरोलमेंट डेट टाइम सारी चीजें इसके अंदर आ गई है ऑलरेडी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था वही हमने डाल दिया। चलिए सर, ये आधार एनरोल आईडी, या तो आपके पास आधार नंबर है तो नंबर डाल दीजिए, एनरोल आईडी है, जैसे कि रिसिप्ट होती है ना, आपने देखा होगा जब आधार कार्ड हम बनवाते हैं तो एक स्लिप मिल जाती है, तो स्लिप की आईडी है बेसिकली ये। चलिए सर आगे चलते हैं। अभी हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन कब स्टार्ट होगा, जब पूरा जनरल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। 150H आपका कुछ एग्जिमशन होता है, आप नो में खेलेगा, आपको कोई एग्जिमशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है आर यू आपका गवर्न्ड बाय द, तो इसको भी आप नो ही रखिए क्योंकि इसके अंदर कुछ एप्लीकेबिलिटी होती है 5A सेक्शन के अंदर, तो इसे नो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं, कहता है नेम ऑफ आपका रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि आप खुद भर रहे हैं या कोई और भर रहा है, तो आप लिख दीजिए, अगर आप खुद भर रहे हैं तो नो कर दीजिए, अगर आपका कोई भर रहा है तो उसका हमारा नाम लिखना पड़ेगा। देखिए जब नो किया तो किसी का नाम भरना नहीं है, ग्री हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे देखिएगा यस करूँगा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसका नाम, कंपनी नेम, ये पेन नंबर, सारी चीज़ें भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो सर अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यस करके उसकी डिटेल डाल देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर मैं देख लेता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव बोला गया नहीं बोला गया, तो मैं नो कर देता हूँ, सो दैट ये देखिए ऑटोमेटिक अब क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, यानी हमें नहीं भरना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आप क्या किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, तो इस फॉर्म को भरने का ही एक ये पर्पस होता है कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको भरना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे सवाल में नहीं है डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर हुए तो डायरेक्टर का नाम, कंपनी, कंपनी का पैन नंबर और ये सारी चीजें, यहाँ डिन नंबर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, सॉरी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो डालना होता है। तीन से ज्यादा डायरेक्टर होंगे, एड रो करते जाएंगे, तो हम यहाँ सेलेक्ट करके लिख देंगे नो, क्योंकि हमारा डायरेक्टर है नहीं, तो नो लिख देंगे, जो कि इजिली अब देखिए सारा का सारा ग्रे हो जाएगा ये। चलिए सर अब यहाँ पे अगर वेन यू आर हेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, यानी आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी का शेयर है, तो नेम ऑफ कंपनी, जैसे मैंने मान लेते हैं कि टाटा का ले लिया, अब टाइप ऑफ कंपनी किस टाइप का है, वो आपका आपका कंपनी का एलएलपी है कि कौन सी कंपनी है, वो पैन नंबर कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कितने का खरीदा, तो जैसे ये सारी चीजें डिटेल अगर सवाल में दे रखा है तो हम फिल कर देंगे, अदरवाइज मैं कहूँगा इसको नो करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो सवाल आपके दे रखे हैं 7-8 ये सभी दे दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए सर ये पूरा हमने फिल कर लिया, अब जैसे ही फिल करेंगे हम ऊपर आ जाएंगे और ऊपर कर देंगे वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे कहता है पिन कोड इज मैंडेटरी, यानी हम जनरल इंफॉर्मेशन ए में पिन कोड भूल गए, जैसे देखिए यहाँ पे पिन कोड डालना था और पिन कोड डालना हम भूल गए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पिन कोड वगैरह डालना है, जैसे कि ये बता देगा, तो ये पूरा फॉर्मूला बेस है, कहीं मिस्टेक भी कर देंगे तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए सर यहाँ पे आ गया शीट वन जनरल ओके, यानी होपफुली आपको जनरल इंफॉर्मेशन भरने आ गई होगी, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, हम आगे चलेंगे, इसके बाद छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, अब हम सवाल करेंगे और ये सवाल ऑलरेडी सामने दिखाना पॉसिबल नहीं है, उसके साथ साथ हम आगे चलते जाएंगे। चलिए हम एक और इस पार्ट को मैं यहीं पे कट कर रहा हूँ क्योंकि हैवी फाइल हो जाएगा, और उसके साथ ही मैं दूसरे पार्ट पे भी अभी आऊंगा जब एक सवाल हम कर लेंगे।